मैं ही कृष्ण, मैं ही कंस हूँ। जानते हैं क्या है इसका अर्थ? नहीं ना। दरअसल ये कहानी बड़ी ही अनोखी है। अनोखी तो है ही, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। तो फिर सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट, जहाँ हम एक अनोखी कहानी सुनेंगे और साथ ही बनाएंगे एक चटपटी सी रेसिपी। The Taste of India Podcast, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहाँ भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक चित्रकार था जो अद्भुत चित्र बनाता था। लोग उसकी चित्रकारी की बड़ी तारीफ करते थे। एक दिन कृष्ण मंदिर के भक्तों ने उनसे कृष्ण और कंस का एक चित्र बनाने की इच्छा प्रकट की। चित्रकार तैयार हो गया, आखिर भगवान का जो काम था, पर उसने कुछ शर्तें रखी। उसने कहा, कृष्ण के चित्र के लिए एक नटखट बालक और कंस के लिए एक क्रूर भाव वाला व्यक्ति लाकर दे, क्योंकि चित्र बनाने के लिए योग्य पात्र तो चाहिए ही चाहिए। अगर वे मिल जाएं, तो मैं आसानी से चित्र बना दूंगा। तो भक्त एक सुंदर बालक ले आए। चित्रकार ने उस बालक को सामने रखकर बाल कृष्ण का एक सुंदर चित्र बनाया। और अब बारी कंस की थी, पर क्रूर भाव वाले व्यक्ति को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। जो व्यक्ति कृष्ण मंदिर वालों को पसंद आता, वो चित्रकार को पसंद नहीं आता। उसे वो भाव मिल ही नहीं रहे थे। वक्त गुजरता गया, कई साल बीत गए, चित्रकार भी बूढ़ा हो गया, मगर कंस का चित्र ना बन पाया। ऐसे में एक दिन लोगों को पता चला कि शहर के कारागार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका चेहरा कंस के लिए एकदम सही है। लोग चित्रकार को लेकर कारागार में गए, जहां उम्र कैद काट रहे कई सारे अपराधी थे। उन अपराधियों में से एक को चित्रकार ने पसंद कर दिया और उसे सामने रखकर उसने कंस का चित्र बना दिया। इस तरीके से कृष्ण और कंस की वो तस्वीर सालों के बाद पूर्ण हुई। कृष्ण मंदिर के वो भक्त वो तस्वीरें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उस अपराधी ने भी वो तस्वीरें देखने की इच्छा व्यक्त की। उस अपराधी ने जब वो तस्वीरें देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगा। सभी ये देख अचंभित हो गए, चित्रकार भी अचंभित हो गया और उसने उस अपराधी से इसका कारण पूछा। तब वो अपराधी बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बच्चा हूँ जिसे सालों पहले आपने बाल कृष्ण के चित्र के लिए पसंद किया था। मेरे कुकर्मों से आज मैं कंस बन गया। इस तस्वीर में मैं ही कृष्ण, मैं ही कंस हूँ। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे कर्म ही हैं जो हमें अच्छा और बुरा दोनों बनाते हैं। हम अच्छे इंसान बनते हैं या के बुरे इंसान, ये हमारे कर्म पर निर्भर करता है। और यही तो गीता में भी कहा गया है, आपके ऊपर है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप कृष्ण भी बन सकते हैं, आप कंस भी बन सकते हैं, मगर याद रखिए, अच्छे कर्म करना है कि बुरे, ये हमारे हाथ में है। इसीलिए याद रखिए, मैं ही कृष्ण, मैं ही कंस। तो समझ गए ना इसका अर्थ? तो अगर तो आप इसका अर्थ समझ गए हैं, तो चलिए अब इस पॉडकास्ट के अगले पड़ाव पर। तो हम क्या बनाने वाले हैं पूजा आज? आज हम दिलीप बनाएंगे आम से बनी रेसिपी। आम से बनी रेसिपी? फिर से? फिर से। अब आम का मौसम हो तो ऑब्वियसली आम की चीजें बनानी तो पड़ेगी ही ना। मतलब इतने सारे घर में आम है तो उससे कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही ना। इससे मुझे लगता है आपने श्रोताओं को एक हिंट तो दे दिया। Exactly. कि आम का मौसम है तो हम आम से रेसिपी बनाने वाले हैं। बिल्कुल सही। और आम की सीरीज चलेगी हमारी, तो इस बार भी आम है और अगली बार भी और उसके अगली बार पता नहीं, देखते हैं। तो चलिए इस बार क्या बनाने वाले हैं वो देख लेते हैं। बिल्कुल।
तो दोस्तों इस बार हम बनाने वाले हैं आम पन्ना। जी हाँ दोस्तों, इसे कैरी का पन्ना भी कहते हैं। छोटे छोटे आम से जो बनते हैं उसे कहते हैं कच्चे कैरी का पन्ना। दोस्तों ये आम का पन्ना जो है ये कई सारे बचपन की यादें ले आता है, और मैं भूल नहीं पाता हूँ जब गर्मी की छुट्टियाँ होती थी और आम होते थे, उसी समय इतनी गर्मी पड़ती थी कि कई बार लू लगने का डर होता था। तब माँ अक्सर ये कहा करती थी कि लू से बचना है तो आम पन्ना पियो। बिल्कुल। तो इसीलिए हमेशा घर पर रोजाना आम पन्ना बनाया जाता था और आम पन्ना रेगुलर रहता था, और स्पेशली जहाँ पर बहुत ज्यादा धूप पड़ती थी, बहुत ज्यादा गर्मियां होती थी। दैट्स राइट। कई बार इसीलिए जब भी मैं आम पन्ना पीता हूँ तो मैं अचानक ही अपने बचपन के यादों में चला जाता हूँ, क्योंकि आजकल ऐसे बच्चे बाहर निकल करके धूप में खेलना, लू लगना, ये सब डर तो है ही नहीं। और आम पन्ना वगैरह सब अब एक ऐसे सोफिस्टिकेटेड ड्रिंक बन गया है जो आजकल पैकेज्ड बॉटल्स में आने लगे हैं। तो जब घर में ट्रेडिशनल तरीके से आम पन्ना बनता है तो वो कहीं ना कहीं हमें अपना बचपन का याद दिला देती है ना। बिल्कुल सही दिलीप, आपने बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों मैंने जो आज आम का पन्ना बनाया है ना, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाने की कोशिश की है मैंने। भले ही यहाँ पर मैंने जो इसे पकाया है, मैंने आज इसको रोस्ट करके बनाया। जनरली आप देखेंगे कि इंटरनेट पे आपको मिलेगा लोगों ने आम का पन्ना, मैक्सिमम लोग जो बनाते हैं वो बॉयल करके बनाते हैं, पर मैंने यहाँ पर इसे रोस्ट करके बनाया बिल्कुल जैसे पहले बनता था। बस फर्क ये है कि आज मैंने इसे गैस पर पकाया है, क्योंकि ऑब्वियसली चूल्हे की अनअवेलेबिलिटी की वजह से। पर उस टाइम पे जो है इसे चूल्हे के अंदर डाल दिया जाता था और उसके बाद इसे निकाल कर इसके छिलके उतार कर आम पन्ना बनाया जाता था। और दूसरा बिल्कुल ट्रेडिशनली मैंने यहाँ एक और चीज़ किया है कि मैंने इसे जो है इसे बनाने के लिए मिक्सर का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं किया है। बिल्कुल सिंपल है, आपको कोई ब्लेंडर कोई मिक्सर की ज़रूरत नहीं है। और मुझे आज भी याद है तब जब हम आम का पन्ना पीते थे ना, तो बीच बीच में आम का पन्ना में से छोटे छोटे चंक्स आते थे मुँह में, जो कि बहुत ही अच्छे लगते थे उसे च्यू करके खाने में पीने में बहुत अच्छा लगता था। जबकि आजकल जो मिक्सर ग्राइंडर में उसे बनाते हैं या फिर ब्लेंडर में डालकर बनाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि वो बिल्कुल पेस्ट हो जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो एक्चुअली में ड्रिंक जो है वो आम का पन्ना है करके। मतलब ऑब्वियसली पता चलेगा, बट एक अच्छा सा फ्लेवर जो ट्रेडिशनली मिलता था वो नहीं मिलेगा आपको उसमें। बट देन वही है ना कि टाइम की कमी की वजह से कई बार लोग ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, तो आपके ऊपर निर्भर है। आप इसे ट्रेडिशनली बनाना चाहते हैं तो वैसे बनाएं, या फिर आपके पास टाइम की कमी है, आपको मिक्सर ब्लेंडर यूज़ करना है फटाफट से, तो आप वैसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनता है आम का पन्ना। बिल्कुल देखते हैं। तो आम का पन्ना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो आम लिया है, और साथ ही में हमें इसमें यूज़ करना है रोस्टेड ज़ीरा का पाउडर, जो कि मैंने 1 टीस्पून लिया है। और इसके अलावा हमें चाहिए होंगे काला नमक, 1 टीस्पून लिया है या फिर स्वादानुसार। और फिर हमने लिया है नमक, प्लेन नमक 4 टीस्पून, और पानी तकरीबन 3.5 से 4 कप तक पानी आप इसमें डाल सकते हैं। Yeah, so the ingredients for aam panna are raw mango 2 pieces, which is 2 numbers, roasted cumin powder 1 teaspoon or to taste, black salt about 1 teaspoon or again to taste, salt 4 teaspoon and water 4 cup. तो आइए देखते हैं कि इस आसान सी रेसिपी को बनाते कैसे हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि अगर आपके पास घर में कोई जाली या स्टैंड है, तो आपको इसे हमें क्योंकि गैस पर पकाना है तो सबसे पहले हमें वो स्टैंड लेना है, और आम को हम पहले धो लेंगे, धो के उसे अच्छे से ड्राई करके सुखा लेंगे, और उसके बाद हम एक जाली रख देंगे स्टव टॉप पर, और उसके बाद उसके ऊपर हम आम रख देंगे, और इसे हमें पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम में पकाएं, धीरे धीरे पकता है ये। और पकाने के लिए आपको क्या करना है कि थोड़े थोड़े समय पर आप इसको टर्न करते रहें, अलटते पलटते रहें, ताकि ये चारों ओर से अच्छे से पक जाए। ये आपको ऊपर से बिल्कुल काला दिखेगा तो डरिएगा नहीं कि ये जल गया है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ये पूरा काला हो जाएगा, और आपको ये चेक करना है कि ये कैसे मतलब पका है कि नहीं अंदर से। तो उसके लिए आपको एक काम करना है कि कोई भी नाइफ आप लेंगे या फिर धारीदार जो चम्मच होते हैं, चम्मच का जो पिछला हिस्सा होता है, उससे आप इसमें धंसा कर देखेंगे। अगर तो ये बिल्कुल स्मूथली अंदर जाके बाहर आ जाता है,
खींचने पर, विच मीन्स कि आपका आम जो है बिल्कुल पक गया है। तो पक जाने के बाद इसे किसी चीज़ की सहायता से इसे निकालें, बाहर किसी प्लेट में रखें, क्योंकि ये गर्म होगा बिल्कुल, और इसे ठंडा होने दें रूम टेम्परेचर पे। अब ठंडा होने के लिए अगर तो आप जल्दी में हैं तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आपको नहीं वेट करना है कि ठंडा होगा तब आप बनाएंगे, तो उसके लिए एक बोल लें जिसमें हम ठंडा पानी डालेंगे और उसके अंदर इस आम को गिरा दें और ये इमीडिएटली ठंडा हो जाएगा। तो बस ठंडा हो जाने के बाद आप इसमें से इसका जो छिलका है वो हम उतार देंगे अच्छे से, और जो पल्प है वो हम किसी और बोल में डायरेक्टली एक चम्मच की सहायता से या फिर नाइफ की सहायता से पल्प को निकाल कर एक बोल में डालते जाएंगे। तो इस तरीके से जो गुठली है आम की उसमें से पूरा पल्प हम अच्छे से निकाल लेंगे स्क्रैप करके, और जब निकल जाए गुठली फेंक दें। तो इस तरीके से हमें दोनों मैंगो के साथ ऐसे ही करना है, और जब पल्प पूरा इकट्ठा हो जाए बोल में तो कुछ नहीं करना है, बस आप उसे बस मिक्स करना है। आपके पास चम्मच है तो चम्मच से कीजिए, विस्कर है तो उससे कीजिए, आप जिससे भी आप उसे फेंटिए अच्छे से बेसिकली। और फेंटने के बाद उसमें हमें डालना है जीरा पाउडर, काला नमक, नमक, और इन तीनों चीज़ों को डालकर इस पेस्ट के साथ हमें अच्छे से फेंटना है बिल्कुल। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, 3.5 से लेकर 4 कप तक पानी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर इस आपको मिक्स करने के बाद और भी पतला चाहिए आम का पन्ना तो आप इसमें थोड़ा सा और मिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पानी डालने के इमीडिएटली बाद आपको इसमें शुगर डालना है, अगर शुगर पाउडर है तो आप वो यूज़ कीजिए या फिर नॉर्मल शुगर यूज़ कीजिए। इनफैक्ट अगर आपके पास गुड़ का पाउडर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक हेल्दी वर्जन आम पन्ना बनाने के लिए। बस इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करना है। तो इस तरीके से आपका आम का पन्ना तैयार हो जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैंने की है, मैंने यहाँ पर 2 तरीके का आम पन्ना बनाया, तो एक तो बस आपको यही सारा कुछ करना है, और दूसरे में क्या किया मैंने कि आधा पोर्शन मैंने ऐसे रखा और आधा पोर्शन अलग बोल में निकाल लिया आम का पन्ना, और उसमें मैंने क्या किया कि तकरीबन 7 से 8 पत्ते पुदीने के मैंने लिए और उसे मैंने बिल्कुल जो क्रश कर लिया, और क्रश करने के बाद उसे इस आम पन्ना में डाल दिया। तो इस तरीके से आपका 2 तरीके का 2 फ्लेवर आम का पन्ना तैयार हो जाता है। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक एट हाउ आम पन्ना इज मेड। First of all, rinse and then wipe dry the mangoes, and then on a gas stove top, you can keep a roti or a papad rack and place the mangoes on top of it. Then turn them at regular intervals to ensure that they are uniformly roasted and cooked. While this is the process that we've followed, you can follow whichever process is comfortable for you to roast the mangoes. But the objective is to roast the mangoes really well. The peels should get charred. It'll look black in color, but don't worry because we are anyways going to peel all of that off. Then slid a knife along one of the sides to check for the doneness. If the knife goes in freely without any resistance, and then when you pull it back it comes out easily, then the mango is roasted well. Now set aside the roasted mangoes to cool at room temperature, but if you want it to cool faster, then you can soak them in water for a couple of minutes before peeling. Then remove the burnt peels after they have cooled and scrape the cooked mango pulp directly into a bowl with a sharp edged spoon or knife. You can scrape the peels as well because there will be a lot of chunks of mangoes that will be sticking to the peels. Once done, you can add black salt, salt and roasted cumin powder to it and mix everything really well. You can use a whisker to do that, or you can even use a spoon. Then add about 4 cups of water and mix everything well. Now the amount of water will entirely depend upon the type of consistency that you want. If you want it to be a little more free flowing, you can add a little more water, or if you want it to be a little thick, you can reduce the amount of water that is being used. Once you've added the water, mix everything well, then add a little sugar to it. If you have powdered sugar, you can use powdered sugar, or if you want to add powdered jaggery, you can use that as well. And then mix it once again and your आम का पन्ना is ready to be served. तो है ना बड़ी आसान सी रेसिपी ये। तो दोस्तों आप अगर रोस्ट करना नहीं चाहते हैं मैंगो को और आप चाहते हैं कि इसे बॉयल करके बनाना, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, बस सिंपली सारा चीज़ तो सेम फॉलो होगा। बस इसे बॉयल करने के लिए आप कुकर में थोड़ा पानी डालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 मैंगो यूज़ किया है, तो उसके लिए आप 2 मैंगो के हिसाब से थोड़ा पानी डालेंगे और कुकर बंद करके उसे एक विसल आने तक पकाएंगे, और उसके बाद
वापस ठंडा हो जाने पे उसे पील करके उसके जो पल्प है वो निकाल कर आप आम पन्ना जनरली जो बाकी सारे स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं वो करेंगे तो आपका आम पन्ना तैयार हो जाएगा बॉयल किया हुआ। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि इस रेसिपी को बनाने के लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जो भी चीज़ें है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप इसमें जैसे नमक जो मैंने यूज़ किया है, ब्लैक सॉल्ट और रोस्टेड क्यूमिन पाउडर जो यूज़ किया है वो आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसमें अगर चाहें तो एक एक्स्ट्रा फ्लेवर लाने के लिए आप इवन काली मिर्च का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, चाट मसाला पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल अपने तरीके से इसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। That is right. And I think that is all that we have for today's episode. Is that it, Pooja? That's it, Dilip. Okay, so do visit thetasteofindia.com if you want to see the pictures and the step-by-step process on how to make aam ka panna. You will also be able to download a printable recipe card at thetasteofindia.com. And don't forget to download your free copy of the Kids Recipe Cookbook from thetasteofindia.com. Do subscribe to the show in order to stay updated with the latest episodes that we come out with. We are available on pretty much all podcasting platforms. Google Podcasts, Apple Podcasts, Hubhopper, Stitcher Radio, TuneIn Radio, JioSaavn, Karma 2.0, Spotify and Gaana as well. If you're listening to the show on Apple Podcasts, do take a few minutes out and provide the show with a genuine review and rating on Apple Podcasts because it helps in the overall ranking of the show in there. That is all that we have for this episode. We'll be back again the next week. Until then, keep listening to the Tastes of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.